वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स दोस्तों, एसएम इंक्यूबेटर्स में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ये 1200 और ये 1800 ऐसे दो कैपेसिटी के इंक्यूबेटर्स है। जिस भी किसान भाइयों के पास खुद के एग्स आ रहे हैं, हैचिंग एग्स आ रहे हैं, वो ऐसे इंक्यूबेटर्स की तरफ जा सकते हैं। आज मैं आपको इस इंक्यूबेटर्स में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ, कैसे यूज करना है। बहुत सारे किसानों को इंक्यूबेटर्स यूज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये वीडियो खास हम आपको बताने वाले कि कैसे इसको यूज करना है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास दो अलग अलग कलर में हमारे वेरिएंट अवेलेबल है। जैसे कि ये अभी एक कॉफी कलर आया है और ये हमारा पहले जो सिल्वर कलर था वो सिल्वर कलर है। आप वीडियो में जरूर बताइएगा कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है। हमें तो ज्यादा अभी ये अच्छा लग रहा है, डार्क कलर है और काफी शानदार दिख रही है उसमें मशीन, तो मैं आपको नजदीक से बताना चाहूंगा। तो देख सकते हैं ये 1200 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर है। जिस किसान भाइयों के पास हर दिन के 60 एग्स आ रहे हैं यानी 60 अंडे आते हैं, तो ये मशीन की तरफ जा सकते हैं और अपना पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 60 एग्स आपको खाली पर डे का होना है, बस आप ये मशीन की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए मशीन में कैसा पैनल लगा हुआ है। बहुत सारे किसानों को मालूम नहीं होता क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो पूरा पैनल जो यहाँ पे बना है, ये 100% मेड इन इंडिया है। इसमें का एक भी पार्ट कोई बाहर से चाइना से नहीं आया है, ये सभी कंट्रोलर से ये एसएम इंक्यूबेटर्स ने डेवलप किए हुए है। तो मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये टेम्परेचर बता रहा है। इसके साथ ये ग्रीन कलर में है, ये ह्यूमिडिटी बता रहा है। इसको आप कोई भी प्रेस करोगे, इसका पासवर्ड है, ये एसएम इंक्यूबेटर सेट करता है। इसके अलावा कोई भी इस पासवर्ड को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों देखेंगे अभी, ये देखिए ये प्राइमरी हीटर का लाइट चालू हो गया, सेकेंडरी का लाइट चालू हो गया, ये ऑटोमेटिक तौर पे काम करता है। मशीन में आप देखोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे दो हीटर होते हैं, यानी आप देखोगे ये दो प्राइमरी हीटर होते हैं, ये दो सेकेंडरी हीटर होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी हीटर दोनों मिलके टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ताकि आपका मशीन का एक्यूरेसी बना रहे और टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन हो सके। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी ऑन होता है तो इस मशीन में कोई फॉगर लगा नहीं है, फॉगर वगैरह कुछ सिस्टम नहीं है, इसका डायरेक्टली ह्यूमिडिटी है। मशीन में देख सकते हैं बैक साइड में सोलेनाइट वॉल लगा है और जरूरत के हिसाब से मशीन के अंदर पानी ऑटोमेटिक भेजने का काम करता है। जब उसका रिक्वायरमेंट 86.3 के आसपास जाता है तो ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी मशीन लेना स्टार्ट कर देता है। उसके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि मशीन आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, आपके आउटसाइड ह्यूमिडिटी कितना है। ह्यूमिडिटी का रिक्वायरमेंट होने पर ये मशीन ऑटोमेटिकली पानी ले लेता है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर और यहाँ ह्यूमिडिटी है। वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे तो वेट एंड ड्राई है। देखो ड्राई में आपको 100 दिख रहा है और वेट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए आपको 86.87 दिख रहा है। यानी ये दोनों साइड में, मतलब ड्राई और वेट, ड्राई यानी टेम्परेचर, वेट यानी ह्यूमिडिटी, ये और ये दोनों सेम होना जरूरी है। ये दोनों में अंतर आता है तो आप इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। जिस किसान के पास दोनों में अंतर आते हैं, जो कोई हमारे यूजर देख रहा है उसके इसमें प्रॉब्लम आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसको सेट कैसे करना है। इसमें देखिए काल की बटन होता है, इसको लॉन्ग प्रेस करने से आप अप डाउन एरो से ये टेम्परेचर कैलिब्रेट कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं अभी 101 था, मैं यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है उस हिसाब से मैं इसको रख सकता हूँ। यहाँ पे 86.7 है, इसको मैं नीचे के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये फुली एडवांस टेक्नोलॉजी वाला कंट्रोलर है, मेड इन इंडिया होने के कारण आप इसको मर्क्यूरी के हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हो। जिस किसान के पास एग्स लगे हैं और एग्स लगने के बाद आपका डोर 4 घंटे तक क्लोज हो, मतलब आपने मशीन में कैलिब्रेट करने से पहले इतना ध्यान रखना है कि ये मशीन का डोर कम से कम 4 आवर्स तक क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ये आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये ह्यूमिडिटी वाला बटन है, आप देखेंगे ये ह्यूमिडिटी वाला बटन है, ये आप मैन्युअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, सेकेंडरी हीटर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेकेंडरी हीटर को ऑन ऑफ करने का बटन इसलिए दिया जाता है ताकि आपके पास लाइट चली गई और लाइट जल्दी नहीं आने वाली और आपका इन्वर्टर जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है,
तो आप ये सेकेंडरी का बटन ऑफ कर दोगे तो मशीन खाली प्राइमरी हीटर पे टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ताकि मशीन का जो वेटेज है वो आपका डायरेक्टली 250 वाट कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपको मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने दिया है ये वर्क लाइट। ये वर्क लाइट देने पे आपका मशीन की इनसाइड का लाइट चालू होता है। जहां पे ठंड ज्यादा है आप वर्क लाइट का यूज हीटिंग डेवलपमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, अदरवाइज इनसाइड आपको व्यूइंग देखना है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे ये वोल्टेज एंड एम्पियर एंड टर्निंग। तो ये देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज और एम्पियर बताता है। अभी मशीन का सभी पैरामीटर्स ऑफ है तो मशीन बिल्कुल भी एम्पियर नहीं ले रहा है। अभी हम वर्क लाइट ऑन करते हैं तो ये 0.2 एम्पियर ले रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये टर्निंग का टाइमर है, जैसे 3600 सेकंड होने पे ये वापस एक बार वर्क करता है और यहाँ पे आपको रीडिंग बताता है। ये अभी तक 17 टाइम इसने मशीन ने टर्न किया है वो आपको यहाँ पे इंडिकेट दे रहा है। सबसे खास बात ये है यहाँ पे ये जो आपको वोल्ट मीटर दिख रहा है, ये वोल्ट में 200 के नीचे वोल्टेज बिल्कुल नहीं चलता है मशीन को, ये 200 के ऊपर ही होना जरूरी है। जिस किसान के पास वोल्टेज सही नहीं है उनको वोल्टेज स्टेबिलाईजर लगाना बहुत जरूरी होता है। वोल्टेज सही नहीं है तो वोल्टेज स्टेबिलाईजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देख सकते हैं ह्यूमिडिटी 86 के नीचे चला गया, मशीन ने ह्यूमिडिटी ऑन कर लिया है। और मैं आपको बैक साइड से दिखाना चाहूंगा मशीन कैसे पानी मशीन के इनसाइड में ले रही है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे पानी जा रहा है मशीन के अंदर। ये कॉक है, आप कॉक आपके हिसाब से फास्ट स्लो कर सकते हैं, लेकिन हमने एकदम स्लो रखा है ताकि धीरे धीरे ह्यूमिडिटी मेंटेन हो सके। आपको स्लो ही पानी छोड़ना है, ज्यादा फास्ट उसमें नहीं छोड़ना है। देखो एकदम स्लो मैंने एडजस्ट किया है मेरे हिसाब से। ये देखिए स्लो एकदम वोल्टेज पानी, आपको स्लो एकदम पानी छोड़ना है ताकि ह्यूमिडिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ सोलेनाइट कॉइल के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑटोमेटिक सप्लाई आता है। जब ह्यूमिडिटी का रिक्वायरमेंट होता है तो ऑटोमेटिक मशीन पानी लेना स्टार्ट कर देती है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो मशीन के बैक साइड में आप देखेंगे तो बैक साइड में ये एग्जस्टेबल वेंट होते हैं। ये देखिए एग्जस्टेबल वेंट है, ये एग्जस्टेबल वेंट में आप देखेंगे तो आपको एक उंगली के मुताबिक इसको खुला रखना है। यहाँ पे भी देखिए एक उंगली के मुताबिक हमने खुला रखा है। इसका रीजन ये है कि मशीन में जब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन होता है उसके साथ साथ जो एम्ब्रियो डेवलप्ड होते हैं वो एम्ब्रियो के लिए इनसाइड में ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, तो ये ऑक्सीजन के लिए इतने होल हमें ओपन रखना जरूरी होता है। और ह्यूमिडिटी मेंटेन होने के बाद जो वेस्टेड वाटर आता है वो वेस्टेड वाटर हमारा यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो इसके लिए हमें कहाँ से ड्रेनेज लगा के हम कहीं पे भी इसका सप्लाई दे सकते हैं। और ये जो ह्यूमिडिटी के लिए जो पानी हम लगाते हैं हम ऐसा टंकी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमने ये हमारा टेस्टिंग टैंक है वो लगाया है, आप ऐसा बैरल लगा सकते हैं। मशीन के लेवल से ऊपर ये टैंक होना चाहिए। आप बोलोगे हम नीचे पानी का टैंक रखेंगे और ये पानी खींच लेगा, तो नहीं, ये खाली पानी रोकने का और छोड़ने का काम करता है। आपको वाटर का लेवल रखना है, वाटर का लेवल रखना है तो मशीन से 3 फुट मिनिमम ऊंचाई पे रखना जरूरी है। मशीन रखते समय हमें चारों ओर से घूम सके ऐसी जगह होनी बहुत जरूरी होती है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जॉस्ट वेंट है। एग्जॉस्ट वेंट हमने एक उंगली के मुताबिक खुला रखा है। मैं आपको मशीन का एयर फ्लो दिखाना चाहता हूँ। देखिए मशीन का एयर फ्लो कितना फास्ट होता है। देखो जो भी हवा आ रही है वो सब बाहर फेंक रही है, क्योंकि इसका एयर फ्लो है वो काफी हैवी होता है, ताकि आपका एम्ब्रियो सही तरीके से डेवलप हो सके, एम्ब्रियो कहीं डेड इन शेल ना हो। ये मशीन में टेक्नोलॉजी ऐसा होता है जिस अंडों में बच्चा बन गया उसमें से निकलने की संभावना हमें 90% तक होती है। लेकिन SM इंक्यूबेटर्स हमारे किसानों को 80% रिजल्ट की गारंटी देता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे बैक साइड से तो मशीन कुछ ऐसा है। और उसके बाद मैं आपको इसके डोर ओपन करके बता रहा हूँ। डोर पूरे ही ये मशीन के देखेंगे तो पूरे डोर एयर टाइट होते हैं। एयर टाइट होने के बाद देखेंगे तो हम ये वर्क लाइट ऑन करते हैं। वर्क लाइट ऑन करने के बाद ये देखिए मशीन में ये सेटिंग रैक होता है। इसका कैपेसिटी होता है 1224X का। और इसके ऊपर आप देखेंगे हैचर है, हैचर का कैपेसिटी होता है 400
200x का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों, तो ये बहुत सारे किसान गलती कर देते हैं, ये जो मशीन के साथ ये पानी का बॉटल आता है उसके अंदर ये ऐसा रिबिन लगाना बहुत जरूरी होता है, बहुत सारे किसान लगाना भूल जाते हैं, तो आपको ऐसा रिबिन लगाना बहुत जरूरी होता है। ये रिबिन इसलिए होता है कि आपको जो मशीन में जो ह्यूमिडिटी बन रहा है वो आपको शो करने के लिए ऐसा, ये देखो ऐसे रिबिन आती है, रिबिन को फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा गीला कर लेना है। गीला करने के बाद देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे ये सेंसर में चढ़ाना है। देखिए हमने सेंसर पे लगा दिया और लगाने के बाद ये जो रिबिन का दूसरा हिस्सा है ये बोतल में पूरी तरीके से आपको डाल देना है। तो देखिए हमने पूरी तरीके से अंदर लगा दिया है, तो ये मशीन का ये जो सेंसर है ये आपको ह्यूमिडिटी शो करेगा और ये ह्यूमिडिटी आपके मशीन में बराबर काउंट करेगा। वैसे ही हमने डोर पे देखने के लिए यहाँ पे भी वेट बल्ब, डोर पे देखने के लिए हमने यहाँ पे भी वेट बल्ब किया है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको डोर पे ह्यूमिडिटी जो दिखे वो इसके साथ आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे तो डोर को ये देखिए पूरे एयर टाइट लॉक आते हैं। ये डोर का ये आप देखेंगे पूरा ये हैंडल सिस्टम होता है, ये दोनों पट्टियां आती है और अंदर जाके लॉक हो जाती है ताकि आपका पूरा तरीके से ये जो पूरा डोर है अच्छे से पैक हो जाए। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो मशीन में यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा है। इसका रीजन ये है, मशीन में आपके हाई टेम्परेचर होने पे ये हाई स्पीड फैन है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफी एडवांस है और ये टेक्नोलॉजी ब्रॉयलर के 30,000, 50,000, 1 लाख कैपेसिटी, ये सभी कैपेसिटी में यही टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो उसके साथ साथ हम देखेंगे इसके बाद ये जो टर्निंग रैक है, टर्निंग रैक घुमाने के लिए हम लीनियर एक्चुएटर का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं मशीन के राइट हैंड साइड में ये लीनियर एक्चुएटर है, उसका सप्लाई यहाँ पे दिया है, ये 24 वोल्ट पे चलता है, ये सप्लाई खाली यहाँ ही देना है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मशीन के राइट हैंड साइड में बहुत सारे कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैनुअल टर्निंग है, यहाँ पे बीच में ऑफ लिखा है, ऊपर ऑन नीचे ऑन लिखा है, तो आपको कभी भी कहीं पे भी ऑन रखना है, चाहे ऊपर रख सकते हैं या नीचे ऑन रख सकते हैं, आपको बीच में ऐसा नहीं रखना है। आप बीच में रखोगे तो आपका टर्निंग रुक जाएगा। तो दोस्तों आपको मैनुअल टर्निंग में कभी भी ध्यान रखना है। इस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रॉली है, ये एक साइड ऑन है, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअल टर्निंग का बीच में ऑफ है, ऊपर ऑन और नीचे ऑन है। आपको ऊपर ऑन नहीं तो नीचे ऑन रखना जरूरी है। आप ऊपर ऑन रखोगे तो ट्रॉली एक जगह झुक जाएगा, आप नीचे ऑन रखोगे तो ट्रॉली दूसरी जगह झुक जाएगा। ये ऑटोमेटिक तौर पे चलते रहता है, आपको मैनुअल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको एग लोड करने के लिए आप देख सकते हैं, अभी मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूंगा, इसको आइडल पोजीशन में लाऊंगा। ये 45 डिग्री देखो आइडल पे आ गया, नीचे में ऐसा ऑफ कर दिया तो मेरे को इसमें एग्स डालने के लिए काफ़ी आसानी हो सकती है। मैं इसमें एग्स देखिए ऐसे यहाँ पे सेट करके इसमें एग्स का नुकीला हिस्सा नीचे रखना है, नुकीला हिस्सा एग का नीचे रखना है, नुकीला हिस्सा नीचे रख के मैं इसमें ऐसा लगा सकता हूँ। और इतना ऐसा लगाने के बाद मेरा एक लोडिंग कंप्लीट हो गया तो मैं उसको ऊपर या नीचे मैं कहीं पे भी एक ऑन रख सकता हूँ। ये ऑटोमेटिक टर्न करेगा, आपको मैन्युअली टर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक तौर पे काम करेगा, आपको मैनुअल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पूरा इंडस्ट्रियल ग्रेड इंक्यूबेटर आता है इस मशीन में, आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। ये मशीन की खास बात मैं आपको बता दूँ कि ये मशीन में एवरी वीक आप 408 अंडा लगा सकते हैं, यानी पर डे का खाली 60 एग्स आता है, तो आप ये मशीन में एवरी वीक आपके एग्स 408 एग्स आप इकट्ठा करके लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे एग्स इसमें लगाने हैं। देखिए आपने ये फर्स्ट वीक में इसमें 408 यानी 408 अंडे लगा दिए, सेकेंड वीक आपने इसमें 408 अंडे लगा दिए, थर्ड वीक इसमें आपने 408 अंडे लगा दिए, तो थर्ड वीक के बाद ये फर्स्ट वीक वाला जो एग्स है उसको 18 डेज कंप्लीट होने पे वो एग्स सारे इस हैचिंग ट्रे में आ जाते हैं। तो आपका वीकली साइकिल चलते रहता है, आपका साइकिल बिल्कुल भी नहीं रुकता है, आपका एवरी वीक आप मशीन में एग्स लगाते जाते हो और एवरी वीक आपका प्रोडक्शन निकलते जाता है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी लॉस होने की संभावना नहीं है। जिस किसान के पास दिन के 60 एग्स आते हैं उनके एक भी अंडा खराब नहीं होता है, उसके सभी अंडे इनके मशीन में लग जाते हैं। तो इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, ये हमारा दूसरा इंक्यूबेटर से इसका आप देखेंगे तो इसका कैपेसिटी है 1800 एग्स का, तो आप देखेंगे इसमें भी वैसा ही होता है। इसमें आपको देखेंगे तो वीक का कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें वीकली में थोड़े ज्यादा एग्स लगाए जाते हैं, हर वीक के हिसाब से इसका भी कैलकुलेशन चलते रहता है। और ये काफी इंडस्ट्रियल ग्रेड इंक्यूबेटर से, दोनों में जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है।
ये मशीन के पास कोई जाता है हमारा किसान, तो ये मशीन 1800 का इसमें सेटर है और नीचे जो हैचर नजर आ रहा है ये 600 अंडे का है। ये मशीन में हमारा किसान यूज करना चाहता है तो उसको पर डे के 90 एग्स होने जरूरी है और वो एवरी वीक में 612 यानी 612 एग्स एवरी वीक इस मशीन में लगा सकता है। ये वीक के साइकिल में चलता रहेगा, 18 डेज होने पे आपको एक नीचे शिफ्ट करना है। ये काफी इंडस्ट्रियल ग्रेड टेक्नोलॉजी होती है और इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आता है। उसके साथ साथ देखेंगे ये हमारा 5000 का मशीन बन रहा है, वो हमारा जा रहा है पटना में। उसके साथ साथ इसका हैचर है और आपको पता होगा SM इंक्यूबेटर्स का काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, उसके कारण जो भी रिजेक्टेड सीटें थी उनको बाहर एक साइड में कर दिया है। पूरे मशीन वापस बन रहे हैं SM इंक्यूबेटर्स के, जो 5 मशीन थे वो वापस डेवलप हुए हैं। आप देख सकते हैं ऐसी क्वालिटी में इंक्यूबेटर्स बनाए जाते हैं और इसमें आपको एक्यूरेसी काफी अच्छा आपको देखने मिलता है। आप देखेंगे तो इसका जो डोर वगैरह है वो भी काफी हेवी होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी आपको काफी लॉन्ग टर्म मिलता है। दोस्तों जिस किसान के पास 90 अंडे आ रहे हैं वो 1800 कैपेसिटी में जा सकता है, जिस किसान के पास दिन के 60 अंडे आ रहे हैं वो 1200 कैपेसिटी में जा सकता है। काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलता है। हर किसान को ये बिजनेस से आगे जाने का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसे इंक्यूबेटर्स के साथ ऐसे ही आगे जा सकते हैं और ऐसा ही पोल्ट्री बिजनेस करके आप महीने का हजारों कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।